इरफान खान की आखिरी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस का ट्रेलर आ गया। फिल्म का निर्देशन किया है अनूप सिंह ने और इसमें अहम किरदारों में हैं गोल शिफ्ते फरहानी, वहीदा रहमान, शशांक अरोड़ा, तिलोत्तमा शोम और खुद इरफान खान। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इरफान के बेटे बाबिल ने लिखा, ब्रिंगिंग अलाइव अ हार्ट रेंचिंग टेल ऑफ लव, ऑब्सेशन एंड बिट्रेयल, हैशटैग द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस ट्रेलर आउट नाउ। फिल्म की कहानी एक फोक टेल है राजस्थान के थार डेजर्ट की और इसमें इरफान खान एक ऊंट के व्यापारी का किरदार निभा रहे हैं जिसे एक लड़की नूरा से प्यार हो जाता है। नूरा अपनी दादी से उस कला को सीखने की कोशिश कर रही है जिससे उन लोगों का इलाज कराया जा सके जिन्हें बिच्छू ने काटा है। नूरा एक गांव से दूसरे गांव पैदल चलकर लोगों को बिच्छू के काट से बचाती है। इरफान और गोल शिफ्ते के किरदार एक होने ही वाले होते हैं जब एक हादसा हो जाता है। 1 मिनट 50 सेकंड लंबा ये ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत है। इरफान खान को एक बार फिर स्क्रीन पर देखकर मन इमोशनल भी हो जाता है एंड ट्रेलर में वहीदा रहमान जी काफी अलग नजर आती हैं अपने किरदार में। मुझे ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसका संगीत बहुत पावरफुल लगा और अब मुझे इंतजार है इस मूवी की रिलीज का। द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस इज ऑल स्लेटेड टू हिट द सिनेमाज अराउंड इरफान साहब्स थर्ड डेथ एनिवर्सरी विच फॉल्स ऑन अप्रैल 29। तो आपको द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस कैसा लगा? ये ट्रेलर ने आपको इम्प्रेस किया, इमोशनल किया? आप हमें बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। बाकी देखते रहिए एंटरटेनमेंट लाइव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।